चेकअप हमारा हो चुका है यहाँ पे हॉस्पिटल में, और एक एक हमें इंजेक्शन लगा है फीवर और वीकनेस का, और बाकी डॉक्टर ने खांसी की और हर चीज़ की हमें दवाई। हम लोग अभी हॉस्पिटल से जा रहे हैं घर डायरेक्ट, और बस हमने एक जूस पिया है एनर्जी के लिए और वापस घर जाते हुए। उन्होंने हमें वहीं पे लेटा लिया था और फाइनली हम घर जा रहे हैं। Hey guys, welcome back to the channel and welcome back in our new vlog today and I hope कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। Here we go. So, आज मेरा घर पे लास्ट डे है, जो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ दिल्ली। सो कुछ दिनों के लिए मैं पीजी में शिफ्ट हो रही हूँ, एंड तो फिर आज का पूरा पैकिंग वैकिंग करना था वो उधर रखा है, और एक प्रेस लेनी थी। सो अभी मैंने टेम्प्रेरी घर से पुरानी ही प्रेस ली है थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए, और मतलब आज सुबह से ही था, कुछ थोड़े बहुत पेंडिंग कपड़े थे जो मैं लेके जाऊंगी। मेरा टॉवल वावल सब धोना था, वो सब धो चुकी हूँ मैं, और बस अब फाइनल पैकिंग करूँगी, और दैट्स इट फॉर टुडे। सो इसी के साथ गाइस आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो आई थिंक वेलकम मैं अपना कर चुकी हूँ, सो इसी के साथ आज के व्लॉग को आगे करते हैं कंटिन्यू। हमें थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, थोड़ा टूथपेस्ट और ये सारा आइटम मेरे को लिख के आना है छोटा मोटा। सो देखते हैं, अभी दोपहर में जाएंगे, दोपहर में चांस नहीं, क्योंकि आज क्रिकेट आ रहा है, वो देखो मून को तो क्रिकेट चल रहा है, सो कोई चांस मुझे लग नहीं रहा है कि हम लोग दोपहर में जाएंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली हम शाम को जाएंगे, सो देखते हैं कि कैसे होगा। बाकी कल जो हम हॉस्पिटल गए थे ना गाइज, वो इतना अच्छा था, लाइक हमें इतना आराम हुआ उसके बाद से, फर्स्ट मेडिकेशन से ही मेरा कफ निकल गया पूरा का पूरा, सो इट वॉज़ वेरी गुड। सो जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं, अंचल हॉस्पिटल हम लोग गए थे एंड इट्स वेरी गुड गाइज। फालतू में पैसे ख़राब करके धक्के खाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक डॉक्टर से जाओ, अच्छे से इलाज कराओ, दैट्स इट। तो आप लोग भी अगर आपका मन करे तो उस हॉस्पिटल में जा सकते हैं। बाय द वे मेरा फीडबैक ये है दैट इट इज़ अ वेरी गुड हॉस्पिटल एंड यू कैन विजिट देयर। और हाँ, बस इसी के साथ अभी ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, सी यू देन। सर्दियों में सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं सॉक्स, तो सारी के सारे सॉक्स के पैर धोए हैं सबसे पहले, और इस प्लांटर में मैंने पानी दिया, और ये दो हमारे गमले रखे थे, इनको मैंने कुछ प्लांट्स लगाने थे क्योंकि उसमें बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं। ये वाला जो पॉट है, लेकिन मुझे इसको इसमें ट्रांसप्लांट करना था, बट अभी मेरे पास इशू का क्या आया कि मिट्टी का इशू था, मिट्टी सामने पार्क से लेके आनी थी, लेकिन अभी मेरे को चांस लगा नहीं। और ये यहाँ पर मैंने अपनी बाल्टी धोकर रख दी, क्या चीज़ नहीं उधर रखने हैं मल्लांटी के लिए, तो ये यहाँ पे अपनी बाल्टी रखी हुई है, और ये मग है, पहले मैंने इसको पीछे से सुखाया और अभी सामने से ये सूख जाएगी, मैं इसको ले जाऊँगी। ये बेडशीट वगैरह मैंने धो दिए मोनू के लिए, बाकी कपड़े हमारे टावल ऊपर पड़े। प्लांट्स लगाने का फ़ायदा ये है क्या कि खिड़की से एकदम एकदम ग्रीन श्रीन दिखता है बाहर, ग्रीन श्रीन को एक बार वहाँ जाके देखते हैं, ये हेल्दी हेल्दी ग्रीन ग्रीन मेरे प्लांट्स आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो बाहर दिख रहे थे इधर सारे के सारे मेरे छोटे प्लांटर्स है, एज यू कैन सी। हम लोग आए हैं शाम को जूस पीने, मेरे को कुछ सामान लेना था, और वो उधर सामने वो दिख रहे हैं आपको मोनू है, वो जूस की चेकिंग कर रहा है, और अभी मेरा जूस आएगा। तो ये मेरा भी जूस आ गया है, एक बार मैं जूस को जल्दी से पी लेती हूँ। आज हम लोग खाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल वेज बर्गर, एंड ये हॉट डॉग के स्टाइल में है क्योंकि हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, और जो हम लोग इंडियंस होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है स्ट्रीट स्टाइल खाना खाते हैं। हमारा बर्गर आ गए तो आप ये खाते हैं स्ट्रीट स्टाइल तो अपना स्ट्रीट स्टाइल।
हम लोग दिखाते हैं आपको अपना स्ट्रीट स्टाइल बर्गर, जो कि बिल्कुल ऐसा होता है। और इसकी जो सब्जी होती है वो मैगी की जो आलू पैटीज होती है उसकी जैसी नहीं होती। जो आपने अगर पाव भाजी खाई है ना, जो भाजी होती है एग्जैक्टली वो होती है। सिर्फ पूरे वेजिटेबल में हॉट डॉग का टेस्ट भी आता है, पाव भाजी का टेस्ट भी आता है, सिर्फ बर्गर का। मल्टी फूड है। हाँ, मल्टी फूड इन दिस वन प्लेट। Invincible. Here we go.